हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं आमपना। आमपना अपनी गर्मी प्रतिरोधक क्षमता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। गर्मी में लोग इसे गर्मी से बचने के लिए, लू लगने से बचने के लिए इसका पेय बना के पीते हैं। इसका रंग हल्का भूरा होता है। ये पीने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने लिया है 4 कच्चे आम, फ्रेश पुदीना, भुना जीरा, नमक, काली मिर्च, इलायची और थोड़ा सा सादा नमक भी लगेगा। और यहाँ पे मैंने गुड़ लिया, आप चाहो तो शक्कर भी ले सकते हो। सबसे पहले मैंने बर्तन में आम डाला। आम डाल के पानी से मैंने थोड़ा सा धो लिया है। उसके बाद उसको वॉश करके गैस ऑन करके मैंने गैस के ऊपर रख दिया। गैस के ऊपर रख के मैंने बॉईल किया। आप चाहो तो इसको कुकर में रख के एक विजल आते तक पका सकते हैं। अब जब तक ये ठंडा होता है, हम बनाते हैं इसका पाउडर। उसके लिए सबसे पहले मैंने जीरा डाला है, फिर इलायची, फिर काली मिर्च। इनको हम लोग मिक्सी में अच्छे से बारीक पीस लेते हैं। उसके बाद जैसे ये पाउडर बन जाता है, हमारे आम तब तक ठंडे हो चुके हैं। अब हम आम का छिलका उतार लेंगे। आम का छिलका उतारने के लिए सबसे पहले हम लोग आम का छिलका उतारेंगे। आप चाहो तो आम उबालने के पहले भी उसका छिलका निकाल सकते हो, बट ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो आम का पना ऐसे ही बनता है। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो आप पहले आम का छिलका उतार के फिर उसके छोटे छोटे पीस करके आप ऐसे भी बॉईल कर सकते हो। अब मैंने आम का पूरा पल्प निकाल लिया है। मेरा पल्प एक कटोरी बना है। अब मेरा पल्प एक कटोरी है तो मैंने एक कटोरी ही गुड़ लिया है। सबसे पहले मैंने जार में आम का पल्प डाल दिया है, फिर उसके बाद मैंने गुड़ डाला है और उसके बाद काला नमक और ये भुना जीरा पाउडर, जीरा और काली मिर्च इलायची वाला पाउडर, इसको भी मैंने इसमें मिक्स किया है। उसके बाद पुदीना, ये फ्रेश पुदीना है। पुदीना डालने के बाद अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट जो अपन रेगुलर यूज़ करते हैं वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन लगाकर मैंने उसको बारीक पेस्ट बना लिया, अच्छे से बारीक बनाना है। उसके बाद जैसे ये पेस्ट बन जाता है हम लोग इसको निकाल लेते हैं। अब ये हमारा पना बनाने के लिए मिश्रण रेडी है। अब इसको हम लोग स्टोर कर भी रख सकते हैं। जब हमको बनाना है तब हम लोग उसको 2 स्पून ग्लास में ऐड करते हैं, या फिर जितना भी आपको बनाना है बाकी का बचा हुआ आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैंने उसमें ऐड किया है 2 आइस क्यूब्स, उसके बाद वाटर। उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके आप एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है खट्टा मीठा जो भी कम है, आप 1 स्पून और उसका मिश्रण ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और पानी डाल के मैंने उसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं फ्रेश पुदीना से इसको गार्निश किया है। मेरा आम पन्ना बन के रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।